Hello beautiful people, welcome back to our channel. Today's video is about a beautiful and gorgeous pothole back blouse designs. We have compiled an amazing collection of pothole back designs for your blouses. You can get them stitched for your wedding saree or for your festive sarees. वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे पॉट होल बैक ब्लाउज डिजाइंस को। अगर आप कोई बैकलेस या फिर अगर आप कोई बहुत ही मॉडर्न लुक आपके ब्लाउज को देना चाह रहे हैं या फिर आप अपनी प्लेन साड़ी को बहुत ही कट वर्क या फिर बहुत ही प्रिटी और क्लासी दोनों एक साथ ब्लाउज को लुक देना चाह रहे हैं तो आप पॉट होल बैक ब्लाउज डिजाइन को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट वेरियंट्स में आ सकते हैं, जैसे कि जो भी पॉट होल ब्लाउज बैक डिजाइन रहता है उसमें आप आइदर टैसल्स लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह कॉइन वर्क उसके बॉर्डर्स में जो भी पॉट होल होगा उसके बॉर्डर्स में लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह का एक डिफरेंट टैसल लगा सकते हैं या फिर आप कॉइन्स का एम्ब्रॉयडरी का अलग अलग तरीके के उसमें ये ला सकते हैं। पॉटहोल ब्लाउज बैक डिजाइन की बात यह है कि आप उसको थ्री क्वार्टर स्लीव्स के साथ या फिर हाफ स्लीव्स के साथ पेयर करें। स्लीवलेस के साथ वो उतना प्रिटी नहीं लगता है तो ये बात ध्यान में रखें। आप हुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। पॉटहोल में पीछे अगर आप बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी देते हैं या फिर वही ब्लाउज के फैब्रिक से ही बटन्स कस्टमाइज करते हैं तो भी बहुत प्रिटी लगेगा। पॉट होल ब्लाउज सिर्फ सैरीज के साथ ही नहीं लहंगे के साथ भी बहुत प्रिटी लगते हैं। अगर आपका हैवी लहंगा है, ब्राइडल लहंगा है तो आप उसके साथ पॉट होल ब्लाउज को ऑप्ट करें, बहुत ही प्रिटी लगेगा। ये पेस्टल कलर सैरी में अगर आप पॉट होल ब्लाउज रखा रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी रखवाइए। पॉट होल ब्लाउज बैक डिजाइन में आप जो भी टाई डिटेलिंग रहता है उसमें अलग अलग तरीके के टैसल्स लगवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एम्ब्लिश टैसल्स हैं या फिर चार्म टैसल्स हैं या फिर आप पॉट होल में कोई अलग तरह का शेप भी आप रख सकते हैं, जैसे कि डबल हुप, ऊपर भी नीचे, ऊपर भी बटन हो नीचे भी हो या फिर इस तरह का टाई अप पॉट होल आप रख सकते हैं, बहुत ही प्रिटी लगेगा। आपकी अगर प्लेन साड़ी है या फिर थोड़ा सा बॉर्डर में लेस है या फिर ना उतनी ब्लिंकी नहीं है तो आप पॉट होल ब्लाउज को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि पॉट होल ब्लाउज में वो ज़्यादा एम्ब्रिश रहता है तो वो प्लेन साड़ी के साथ बहुत ही प्रिटी लगेगा। और आप अगर चाहें तो आप उसके स्टडेड या फिर क्रिस्टल या फिर एम्ब्रॉयडरी का वर्क आप पॉट होल के जो कट है उसके इर्द करा सकते हैं। ब्रॉकेट में भी पॉट होल ब्लाउज बहुत ही अच्छा लगता है या फिर आप सिल्क साड़ी के साथ अगर पॉट होल ब्लाउज रखाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सिंपलिसिटी का एलिगेंट लुक देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि इस तरह। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी एज की वुमेन इसको कैरी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इसको 20s में या फिर 30s वाले एज वुमेन ही कैरी कर सके। ये उतना ही अच्छा खूबसूरत लगेगा जितना 20 ईयर ओल्ड पहनेगी, उतना ही ये 50 ईयर ओल्ड पे भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत लगेगा। आप अगर सटल ज़्यादा स्किन शो को नहीं जा रहे हैं तो आप इस तरह का ब्लाउज के लिए ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें बहुत ही बैलेंस्ड आउट स्किन शो है। कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज के साथ पॉट होल को ट्राई करें, बहुत ही डिफरेंट और डिस्टिंक्ट लुक देता है। आप बीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गोटा पट्टी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी स्मॉल सारी बॉर्डर्स और कोल्ड शोल्डर के साथ भी बहुत डिफरेंट और अमेजिंग लगता है ये। आप पर्ल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके पॉट होल ब्लाउज में हुक के जगह पे, आप इस तरह का भी कर सकते हैं जिसमें अच्छा ऑल ओवर थ्रेड वर्क और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क दिया है। आप बूटी के साथ भी पॉट होल ब्लाउज पीछे का रख सकते हैं। शेयर पैनलिंग थोड़ा सा हो और पाइपिंग हो कॉन्ट्रास्टिंग, आप देख सकते हैं कि बहुत ही सोफिस्टिकेट लुक दे रहा है। या फिर आप इस तरह का बहुत ही यूनिक और क्विर्की टैसल्स यूज़ कर सकते हैं।
आप मोनोक्रोम ब्लाउज के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं, मतलब सिंगल कलर साड़ी, और या फिर आप कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज गोल्ड विथ रेड जैसे कि इस तरह ट्राई कर सकते हैं। आप थोड़ा सा एक पैचवर्क दे के भी अपने ब्लाउज में पॉटहोल पैक रखा सकते हैं। देख सकते हैं कि आप टैसल में एक कोई बर्ड का रखाना भी बहुत ही अमेजिंग लगता है। या फिर आप टोटली पॉटहोल ब्लाउज के साथ एक शेयर पैनल, सिर्फ अंदर से जो पीकअबू रहता है वैसा वाला रखा सकते हैं, वो भी बहुत ही ट्रेंडिंग में है। या फिर आप केप स्लीव के साथ पॉटहोल रखा सकते हैं आपके ब्लाउज में, स्लीव्स और बैक को आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। अगर आपके स्लीव रफल्ड है तो आप उसको सिंपल रख सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सी यू।